को क्या कहिए, अब तो शौके शहादत को क्या कहिए, अब किसानों ने हाथों पे सिर ले लिया है, अब तो शौके शहादत को क्या कहिए, अब किसानों ने हाथों पे सिर ले लिया है, अब और कत्ल होने से कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले ने घर ले लिया है। साथियों, बहुत सिर हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में, बहुत सिर हो रहे हैं, बहुत हड्डियां तोड़ रही है हमारी, लेकिन किसान पर बल के जाता है फिर मार दोबारे फिर गया, तीसरे बार फिर गया, चौथे बार फिर गया कि मारो जितनी ताकत है। और क्या बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जो कितना बाद में काबिल में है। हमारे सिर के आरे खट्टर साहब, हमारे शरीर भी प्यारे खट्टर साहब, जितने और लठ मार के देख रहे हैं देख ले, जितना और जोर लगा के देखना है देख ले, जो और अजमा के देखना है देख ले, बहुत आदर दिए है तुमने लाठी चार्ज के, कहते हम तो हल्का लाठी चार्ज करते हैं, कहते हल्का लाठी चार्ज करते हैं, लेकिन हम खट्टर साहब को बता देना चाहते हैं शराफत का नजायज फैसला मत उठाना, शराफत का नजायज फैसला मत उठाना, हम अपनी मांग मांग रहे हैं, हम कोई देश नहीं मांग रहे, हम कुछ किसी का दूसरे का हिस्सा नहीं मांग रहे, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं, केवल जिंदा रहने का। परमात्मा भी खुश हो गया हमारी जागी है, जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलता ना, जिसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलता फिर वो हक छीनना नहीं जानता है, ये भी बता देते देखो। अभी लाठी चार्ज का हक उन्होंने दिया है, अभी लाठी चार्ज का हक तुम्हारे दिया है खट्टर साहब, सुन ले, अगर ये लाठी चार्ज का आपने कहीं तुम्हारे ऊपर हमले दे दिया ना, तो ये तुम्हारे जेजेपी वाले बीजेपी वाले मुंह नहीं करेंगे काम, हमारी तरह उनका नहीं आज मैं दावा बिठाइए, हम रोक रहे हैं अपने लोगों को, इसलिए रोक रहे हैं कि हम बर्बादी नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन इतने कमजोर मत जानिए, इतने कमजोर मत जानिए देश के किसानों को, हम अपने सबूत दे चुके हैं, सबूत दे चुके हैं, हमारे परिवार सीमा में लड़ रहे हैं, सबूत दे चुके हैं कि हिंदुस्तान की मिलिट्री आज दुनिया में मानी हुई है, हमारे बच्चे हमारे परिवारों से गए हैं, टाटा टाटा बिरला का अंबानी बचाने का कोई बेटा वहां पे नहीं, इनमें वही खून है जो हर किसान बैठे हैं, जो हमारे सीमा के जवान लोगों के जो वही खून है, 10 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, 650-700 किसान हमारे शहीद हो गए हैं, कई किसान आत्महत्या कर गए दुखी हो गए, लेकिन सब्र की एक हद होती है, सब्र की एक सीमा होती है, हम इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं आंदोलन उपद्रव ना हो जाए और आंदोलन टूट ना जाए, उपद्रव का
आंदोलन टूट जाता है, क्योंकि हमारे सामने परमात्मा की और दया आ गई। हम आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चलाना चाहते हैं, आंदोलन में कोई उपद्रव नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उपद्रव के भी नतीजे भुगत चुके हैं, उपद्रव के भी नतीजे भुगत चुके हैं। हम गंदा सोचा बिल्कुल नहीं होना चाहते। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर पुलिस ना दबा दी हम खड़के खाएंगे मारेंगे। क्यों? क्योंकि तो 1993 में आंदोलन हुआ था, हमारे दो भाई जी सर के अंदर शहीद हुए थे, आंदोलन के महीने के अंदर अंदर टूट गया। सतनाली के अंदर बंसीलाल के टाइम में हमारे पांच भाई शहीद हुए थे, आंदोलन एक महीने के अंदर टूट गया था। कंडेला गुलकनी के अंदर हमारे सात भाई शहीद हुए थे, आंदोलन एक महीने के अंदर अंदर टूट गया था। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत गुस्सा है हमारे भाइयों में लट उठा के जाते हैं, बहुत गुस्सा है, कदर करते हैं, सलाम करते हैं आपके क्रोध को और आपके जोश को, लेकिन उसके साथ हमने होश जरूर बना के रखना है, हम किसी पे हाथ नहीं उठाए। लेकिन मोदी सरकार इतना कमजोर भी ना समझे, 10 महीने सड़कों पर बैठे तो हो गए हैं, साल होने वाला है, कहीं हमें ये फैसला ना लेना पड़े कि अब तो दिल्ली घेराव था, अब मोदी के घर का घेराव होगा। देश का किसान मरने से नहीं डरता है, नहीं डरता है मरने से, ये तो केवल और केवल हमारी जो कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चा है, हम भी उसी में शामिल हैं, केवल उसके आदेश की तरफ देख रहा है कि कब वो आदेश दे और कब हम दिल्ली को फतेह करें। अभी मोदी जी समझ जाए, वक्त है, गया वक्त हाथ नहीं आता। अभी तो हमने कुछ भी नहीं मांगा, 3 काले कानून और MSP मांग रहे हैं ना, वो भी सारे देश के लिए, किसान अपने लिए नहीं मांग रहा,